फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ सबका फेवरेट, बहुत ही इजी, जो जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी होता है, सूजी का हलवा। ऐसे टेस्टी सूजी के हलवे के लिए मैंने लिया है एक कटोरी सूजी, जो हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, उसके अलावा एक कटोरी से थोड़ा सा कम है शक्कर, एक कटोरी घी, ड्राई फ्रूट में मैंने लिया है किशमिश, काजू, बादाम, इलायची, चिरौंजी दाना और कुछ केसर के धागे। केसर के धागे ऑप्शनल हैं। सबसे पहले एक पैन, उसमें डाला एक कटोरी घी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी पूरा घी का इस्तेमाल किया। आप चाहो तो आधा घी आधा ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब घी जैसे गर्म हो गया, उसमें मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले मैंने डाला है काजू। काजू जैसे थोड़ा सा भुन गया, उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं बारीक कटे बादाम और किशमिश। इनको मैंने भून लिया है। भून के जैसे ये थोड़े से फ्राई हो गए हैं, मैंने इन्हें निकाल लिया। ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डालने से टेस्ट बहुत अच्छे से आता है। ये फ्राई हो गए हैं, अब मैंने इन्हें निकाल लिया है। निकाल के सेम इसी पैन में, इसी घी में हम लोग डालेंगे सूजी। सूजी डाल के अब हम धीमी आंच पे एकदम लगातार मिलाते हुए इसे सुनहरा होते तक भुनेंगे, तब तक जब तक कि इसमें से अच्छी खुशबू नहीं आती है। और भुनते समय हमें गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखना है, बिल्कुल भी गैस का फ्लेम नहीं बढ़ाना है, अदरवाइज सूजी जल जाता है और हलवे में से जलने का स्मेल आएगा। अब मैंने धीमी आंच पे इसे लगातार भुना है। दूसरी तरफ मैंने रखा है एक बर्तन और उसमें मैं डाल रही हूँ दो कटोरी पानी। मैंने एक कटोरी सूजी लिया है तो मैं दो कटोरी ही पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम लोग ज़्यादा पानी डालेंगे तो हलवा खिला खिला नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं सूजी काफ़ी अच्छे से भुन गई है, ये हल्की भी हो गई है, फुली फुली सी भी हो गई है, मतलब हमारी सूजी ऑलमोस्ट भुन चुकी है, बट थोड़ा सा इसे हम लोग और भुनेंगे। मैं धीमी आंच पे इसे एकदम लगातार भून रही हूँ। अब सूजी भुन चुकी है, इसे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। शक्कर मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम लिया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो एक कटोरी शक्कर लेना। वैसे सारा चीज़ एक एक कटोरी का रेशो परफेक्ट होता है, एक कटोरी सूजी, एक कटोरी शक्कर और एक कटोरी घी। अब हमारा पानी भी बॉयल हो गया, अब मैं डाल रही हूँ इसको सूजी में। सूजी में डाल के अब मैं इसमें डाल रही हूँ केसर का पानी। ये केसर वाला पानी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। अब डाल के मैं इसे लगातार एकदम मिला रही हूँ। आप देख सकते हैं एक मिनट में ही हमारा सूजी में पूरा पानी अच्छे से घुल गया है और खिला खिला बन रहा है। अगर हम लोग दो कटोरी से ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो उतना खिला खिला नहीं बनेगा। अब मैंने इसमें डाले हैं फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट और थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा है। अब मैं इसे धीमी आँच पर ही अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करके मैं इसे ढक के दो मिनट तक धीमी आंच पे रहने दूंगी। ऐसा करने से सूजी का हलवा एकदम अच्छे से पक जाएगा। दो मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है। अब मैंने इसमें डाला कूटी हुई इलायची, डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हमारा बहुत ही अच्छा दानेदार खिला खिला सूजी का हलवा बनके रेडी है। अब सूजी का हलवा ठंडा हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितना अच्छा, कितना खिला खिला बना है। ये सूजी का हलवा बहुत जल्दी बनता है, आप इसे बना के ऐसे ही खा सकते हैं, भगवान को नैवेद्य भी लगा सकते हैं, एज अ स्वीट डिश भी खा सकते हैं। अब आप भी ये टेस्टी सूजी का हलवा बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।